हेलो तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मॉडल के layer, layer के लेयर 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 एंड एंड बारे में फुल डिटेल्स विद वर्किंग तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ एंड फुल नॉलेज गेन कीजिए तो आइए समझते हैं सेशंस लेयर के बारे में लेयरआई मॉडल दैट ऑथेंटिकेशंस टू एक्सेस डेटा इट मीन्स कि सेशनस लेयर एक वेस मॉडल का लेयर है जो ट्रांसमिशंस के दौरान यानी जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं भेजते हैं तो सेशन को मेंटेन करता है सेशंस क्या होती है सेशंस जस्ट एक टाइमिंग होती है जस्ट एक पीरियड होती है जिसमें डेटा ट्रांसमिट होता है उसको मेंटेन करता है आगे समझेंगे किस तरीके से मेंटेन करता है क्रिएट चेक पॉइंट्स चेक पॉइंट्स क्रिएट करता है आगे के टॉपिक पे समझेंगे चेक पॉइंट्स क्या होती है अलाउ ऑथेंटिकेशन टू एक्सेस डेटा ऑथेंटिकेशन अलाउ करता है यूजर को इट मीन की अधिकार प्रदान करता है अथॉरिटी देता है डेटा को एक्सेस करने के लिए तो आइए समझते हैं इसके फंक्शनलिटी में फंक्शनलिटी में टोटल कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसके ऑथेंटिकेशन क्या होते हैं सेशंस क्या होते हैं चेक पॉइंट क्या होते हैं ऑल टू ऑल तो इसके फर्स्ट फंक्शनालिटी है एस्टेब्लिश यूज टर्मिनेट सेशंस जो सेशन लेता है सेशन को पहले एस्टेब्लिश करता है फिर उसका यूज करता है फिर उसको टर्मिनेट होता है सेशंस तो सेशंस क्या होती है? जैसे कि एक होस्ट ए है जो होस्ट बी को डेटा ट्रांसफर करना चाहता है देन ए से बी को डेटा ट्रांसफर करने में जो भी टाइम लगेगा वो उसका सेशन हुआ तो पहले जो तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा दोनों होस्ट के बीच तो एस्टेब्लिश किया सेशन फिर सेशंस का यूज करके डेटा को ट्रांसफर किया तो डेटा ट्रांसफर किया तो सेशन यूज हुआ टर्मिनेट डेटा ट्रांसफर करने के बाद जब कनेक्शन टूट जाता है खत्म हो जाता है टर्मिनेशन टर्मीट से टर्मिनेट सेशन नेक्स्ट इसका फंक्शनलिटी आता है सेशन प्रोवाइड प्रोवाइडी टू यूजर टू एक्सेस द डेटा एग्जाम्पल ऑथोरिटी ऑफ लॉग इन इन फेसबुक और इंस्टाग्राम जो सेशन स्लेयर होता है ना वो यूजर के एक अथॉरिटी अधिकार प्रदान करता है डेटा को एक्सेस करने का जैसे कि हो गया फेसबुक फेसबुक का अगर डेटा एक्सेस करना चाहे कोई भी आप उसमें वीडियो देखना चाहे ऑडियो किसके पिक देखना चाहे फोटो स्टेट कोई भी तो बिना उसमें लॉग किए हुए आप उसके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते देख नहीं सकते कुछ भी फोटो हो गया वीडियो हो गया एनीथिंग तो पहले आपको ये अथॉरिटी देता है जैसा कि आप पहले फेसबुक में लॉगिन करेंगे उसके बाद ही देख पाएंगे इंस्टाग्राम हो गया इंस्टाग्राम में बिना आप अपने आईडी लॉगिन किए कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते ना वीडियो देख सकते हैं ना रील्स ना रील्स अपलोड कर सकते हैं ना फोटोज अपलोड कर सकते हैं ना देख सकते हैं तो ये हुआ ऑथोरिटी तो सेशनस लेयर यूजर को एक ऑथोरिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू डेटा को एक्सेस कर पाता है अब अलग अलग एप्लीकेशंस का अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग थॉरिटी होता है अलग अलग प्रोटोकॉल्स होता है अपने प्रोटोकॉल्स के अनुसार जैसे कि YouTube है यूट्यूब्यूब YouTube में आप बिना लॉग इन किए डेटा को एक्सेस कर सकते हैं तो यूट्यूब का ऑथराइजेशन उसका प्रोटोकॉल्स कुछ डिफरेंट है और फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्रोटोकॉल्स कुछ डिफरेंट है नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक पॉइंट इसका फंक्शनलिटी होता है, है सेसंस लेयर का एक चेक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी होता है इसका चेक पॉइंट्स क्या है आइए समझते हैं सेशन लेयर फॉर री एस्टोर द लॉस्ट ऑफ डेटा एंड क्रिएट चेक पॉइंट टू रीटोर दूसरा बीच बीच में चेक पॉइंट होते हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते लाइफ एग्जाम्पल जैसे कि आप व्हाट्सएप से पचास एम बी का किसी अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर कर रहे हैं और जैसे ही तीस एम बी शेयर हुआ आपका नेटवर्क कनेक्शन टूट गया नेटवर्क खत्म हो गया इट मीनस फिर आपको फ्लाइट मोड डालना पड़ा या फिर डेटा खत्म हो गया एनीथिंग नेटवर्क कनेक्शन टूट गया तो आपको फिर से उस वीडियो को सेंड करना है आपका वीडियो तीस एम बी चल गया था बीस एम बी बाकी था तो जब आप उसको सेंड करना स्टार्ट करेंगे तो फिर तीस एम बी से ही स्टार्ट होगा अब इसी पे वर्किंग करता है चेक पॉइंट्स जैसे कि बीच बीच में चेक पॉइंट्स लगे होते हैं कि आपने बीस एम शेयर कर लिया तो नेटवर्क मीडिया में नेटवर्क का जो भी मीडियम होता है माध्यम होता है उसमें तीस एम स्टोर हो गया डेटा स्टोर हो गया है जैसे कि मैंने मैसेज स्विचिंग पढ़ाया था तो उसमें तीस एम स्टोर हो गया है तो आप फिर से अपना कनेक्शन बिल्ड करके फिर से डेटा जब ट्रांसफर करेंगे तो तीस एमबी के बाद से ही सेंड होगा डाटा तो ये काम करता है चेक पॉइंट्स इस डेटा को स्टोर करने का डेटा को रिकवर करने का काम करता है चेक पॉइंट्स और उसको फिर से जो कनेक्शन कट होती है उस पर से फिर से रिकनेक्ट करने का काम करता है नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका रिमोट प्रोसीजर कॉल आर सेशन स्लेयर में ही वर्किंग करता है रिमोट प्रोसीजर कॉल अब ये रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या होता है जस्ट एक प्रोसेस होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल जो यूजर और ट्रांसमिशंस में यूज होता है तो इसमें आइए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि क्लाइंट फंक्शंस हो गया क्लाइंट स्टॉप हो गया रिमोट प्रोसीजर का रन टाइम आर रन टाइम हो गया सर्वर फंक्शंस हो गया सर्वर स्टॉप हो गया और आर रन टाइम हो गया तो ये वर्किंग कैसे करता है इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं जैसे कि कोई भी हो गया यूजर जैसे कि एक हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू तो जैसे कि हमको यूट्यूब पे सर्च करना व्हाट इज सी लैंग्वेज तो मैंने गूगल को ओपन किया और गूगल में मैंने टाइप किया व्हाट इज़ सी लैंग्वेज देन मैंने अपना मैसेज सेंड किया तो मैंने अपना काम किया फंक्शन किया तो क्लाइंट फंक्शन तो जैसे कि हम लोग होते हैं क्लाइंट और डिजिटल एरिया में क्लाइंट माना जाता है होस्ट को कंप्यूटर को तो हम अपने मोबाइल से सर्च किए गूगल के सर्वर पे गूगल ब्राउजर पे व्हाट इज सी लैंग्वेज राइट तो मैंने अपना फंक्शन कंप्लीट कर दिया सेकेंड पॉइंट आता है क्लाइंट स्टॉप अब क्लाइंट स्टॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट होता है क्लाइंट स्टॉप एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है और ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो हमारे मैसेज को सेंड कर देता है रन टाइम आर पी सी रन टाइम के पास अब आर पी सी रन टाइम फिर सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम को वो मैसेज हमारा सेंड कर दिया व्हाट इज सी लैंग्वेज अब जो होता है सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जैसे कि गूगल सर्वर हो गया क्रोम सर्वर हो गया तो वेबसाइट का अलग से सर्वर होता है तो इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पैरामीटर को रिमूव कर देता है पैरामीटर जो मैंने मैसेज डाला था व्हाट इज सी लैंग्वेज तो व्हाट इज सी लैंग्वेज उसको रिमूव कर देगा और अपने से फंक्शन कॉल करेगा अपने से कॉलिंग करेगा सर्वर फंक्शन को अब सर्वर फंक्शन फिर हमारे पैरामीटर से रिलेटेड हमारे रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डाटा दे देगा सर्वर स्टॉप को सर्वर स्टॉप में होता है सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो डाटा फिर रिटर्न कर देगा आरपीसी रन टाइम को और रन टाइम आरपीसी रन टाइम फिर क्लाइंट सर्वर क्लाइंट के रन टाइम को डाटा रिटर्न कर देगा और क्लाइंट फिर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम को और फिर क्लाइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम से डाटा शो कर जाएगा क्लाइंट को उसके एप्लीकेशन के थ्रू क्लाइंट को उसको शो कर देगा तो ये काम नैनो नो सेकेंड में होता है जैसे कि हम गूगल पे सर्च किए व्हाट इज लैंग्वेज हमारे पास आ गया तुरंत उसका जो गूगल पे अपलोड होगा तो ये होल फंक्शन वर्किंग करता है क्लाइंट सॉरी रिमोट प्रोसीजर कॉल पे तो ये था रिमोट प्रोसीजर कॉल आई होप समझ में आ गया होगा तो आइए समझते हैं प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है इसका फंक्शनलिटी क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशन लेयर एंड रिस्पांसिबल फॉर सिक्योर द डेटा एंड कंप्रेस द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशंस जो प्रजेंटेशन लेयर को होता है इसको हम लोग ट्रांसमिशंस सॉरी ट्रांसलेशन लेर के बारे में ट्रांसलेशन लेयर के रूप में भी जानते हैं बिकॉज की ये जो भी डेटा होता है उसके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है जैसे कि हो गया कि हमको डाटा चाहिए अपने सिंपल लैंग्वेज में जिसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं जबकि जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है तो जो भी डेटा कंप्यूटर रिटर्न करता है बाइनरी लैंग्वेज में करता है और बाइनरी से फिर असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर और जिस लैंग्वेज में हमें डाटा रिक्वायर हो चाहिए उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर अब क्या करता है ये डाटा को सिक्योर भी करता है जो भी डाटा सेंड होती है उसको सिक्योर करने का भी काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को कंप्रेस करने का भी काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेस मतलब उसके उसके क्वालिटी को घटाना साइज को घटाने का भी काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसमिशन के दौरान जब डेटा हम सेंड करते हैं अब इसको डिटेल्स में आइए समझते हैं इसका फंक्शनलिटी में पूरा डिटेल्स समझ में आ जाएगा आपको प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है फंक्शनलिटी क्या क्या होती है तो ये समझते हैं इसका फंक्शनलिटी के बारे में फंक्शनालिटी ऑफ प्रजेंटेश ट्रांसलेशन प्रेजेंटेशन सेट द डेटा इन दूजर्स लैंग्वेज जो प्रेजेंटेशन होता है आने वाले आउटपुट आने वाले डेटा को ट्रांसलेट कर देता है यूजर के रिक्वायर्ड लैंग्वेज में जो लैंग्वेज में यूज़र समझ जाए जो आपके सिस्टम में लैंग्वेज पहले से रिक्वायर्ड होगा उस लैंग्वेज में डेटा आपको ट्रांसलेट करके मिल जाएगी सेशन ले द्वारा तो डेटा ट्रांसलेशन का काम करता है सेशन लेअर

एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है जो अप्लाई कर देता है उसके कारण डेटा का फॉर्मेट चेंज हो जाता है जिससे बीच में कोई हैकर डाटा को हैक भी करता है तो उसका मतलब उसका पर्पस नहीं समझ पाता है कि डेटा का मीन्स क्या है डेटा किस पर्पस से भेजा गया है डेटा को समझ नहीं पाता है और फिर रिसीवर साइड जाकर के डेटा डिक्रिप्ट हो जाती है उसमें पोर्ट नंबर सिक्वेंस नंबर आदि होते हैं जिसके कारण रिसीवर डेटा को डिक्रिप्ट कर पाता है फिर उसको रीड करके उसका मतलब समझ पाता है और ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो जाते हैं तो डेटा को इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का भी काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी का भी काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर तो आइए समझ लेते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या होती है देन प्रेजेंटेशन लेयर आल्सो यूज क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म टू सिक्योर सेंडिंग डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्रिप्टोग्राफी जस्ट एक मैकेनिज्म होता है जिसका यूज किया जाता है डेटा को सिक्योर करने में ट्रांसमिशन के दौरान अब कैसे इसका यूज होता है तो आइए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं सबसे पहले होता है प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट होता है जो भी डेटा हम सेंड करने वाले हैं उसको हम सिंपली रूप में डेटा को बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट उसके बाद होता है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम उसके बाद उस पर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है और इंक्रिप्शन एलगोरिथ में अप्लाई करने के बाद जो डेटा होता है सिफर टेक्स्ट में बदल जाता है और सिफर टेक्स्ट क्या होता है जस्ट एक डेटा का बिगड़ा हुआ रूप होता है जिसको समझा नहीं जा सकता उसी को बोलते हैं सिफर टेक्स्ट और फिर जब रिसीवर साइड में जाता है तो डेटा पे डिक्रिप्शन एल्गोरिद अप्लाई होता है जिसके कारण फिर डेटा अपने प्लेन टेक्स्ट में परफॉर्म हो जाता है प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको रिसीवर आसानी से समझ पाता है और इस तरीके से डेटा सिक्योरली ट्रांसफर हो जाती है डर से रिसीवर तक तो क्रिप्टोग्राफी का भी काम करता है प्रेजेंटेशन नेक्स्ट पॉइंट आती है डाटा कंप्रेशन प्रजेंटेशन लेयर डाटा कंप्रेशन का भी कार्य करता है अब डाटा कंप्रेशन क्या होती है देन प्रेजेंटेशन साइज एंड क्वालिटी ऑफ सेंडिंग डाटा डूरिंग द ट्रांसमिशंस कंप्रेशन टाइप्स लॉसलेस डाटा कंप्रेशन लॉसी डाटा कंप्रेशन डाटा कंप्रेशन के बारे में हम अलग वीडियो में भी बता चुके हैं कि डाटा कंप्रेशन क्या होती है क्वालिटी तो को कम कर देता है तो इसमें दो टाइप्स होते हैं एक टाइप्स में लॉसलेस डाटा कंप्रेशन में वीडियो के साइज कम होते हैं क्वालिटी कम नहीं होते हैं और लॉसी डाटा कंप्रेशन में साइज एंड क्वालिटी दोनों कम हो जाता है जैसे कि व्हाट्सएप से हम कोई वीडियो भेजते हैं पचास एमबी का राइट right? तो पचास एम का वीडियो होता है ना तो तीस एम बी में ही चला जाता है यहां पे होता है कि वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाता है साइज भी कम हो जाता है जब डेटा को हम सेंड करते हैं तो ट्रांसमिशंस के दौरान जब भी डेटा हम सेंड करते हैं तो ये प्रोसीजर के दौरान डेटा को साइज कम करना डेटा का क्वालिटी कम करना के काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर ताकि ट्रांसमिशंस जल्दी हो सके अब आती है अप्लीकेशन लेयर तो आइए समझते हैं अप्लीकेशन होती है नेक्टिविटी फॉर इनपुट एंड आउटपुट जो अपल लेयर होता है बहुत इम्पोर्टेंट लेको माना गया है क्योंकि ये जो लेयर होता है यूजर के बीच और सिस्टम के बीच डायरेक्टली कनेक्टिविटी बनाता है जैसे कि इनपुट ही यही अपलिकेशन लेट रहता है और अप्लीकेशन ले यूजर को आउटपुट देता है जैसे कि कोई भी मैसेज डालना हो कोई भी डेटा डालना हो सेंड करना हो तो लेयर ही डेटा को रिसीव करता है और फिर ले जाकर के रिसीवर साइड ही डेटा डेटा को रिसीवर को देता है और सेंडर से डेटा लेता है और रिसीवर को डेटा देता है तो इनपुट के रूप में डेटा लेता है और आउटपुट के रूप में डेटा देता है तो इनपुट और आउटपुट का काम अप्लीकेशन से लेर करता है और डायरेक्टली कनेक्टिविटी बनाता है यूजर से इट मेक अ वर्चुअल टर्मिनल विद यूजर दस एनी वन कैंट एक्सेस देयर डेटा और ये जो होता है ना अप्लीकेशन से यूजर्स और सर्वर के बीच या फिर यूजर और दूसरे यूजर के बीच एक वर्चुअल कनेक्टिविटी वर्चुअल टर्मिनल बनाता है जैसा टर्मिनल मीन्स क्या होता है जैसे कि एक हो गया होता है ना पाइप लाइन जैसे कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाइप के बीच एक होल होता है होल के अंदर कोई देख नहीं सकता ऐसा ही एक टर्मिनल बनाता है एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच या एक यूजर से सर्वर के बीच ताकि वो जो आपस में डेटा लेन देन कर रहे हैं जो भी आपस में बातचीत कर रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं उनको दूसरा कोई ना देख सके दूसरा कोई ना जान पाए कि वो क्या कुछ अपने डेटा का ट्रांसमिट कर रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं तो इस तरीके सिक्योरिटी बनी रहती है तो ये कि जो एप्लीकेशन होता है एक जैसे वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट करता है

दोनों यूजर ही कनेक्टेड होस्ट ही देख सकते हैं कनेक्टेड होस्ट ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अदरवाइज थर्ड पार्टी कोई नहीं एक्सेस कर सकता है, थर्ड पार्टी एक्सेस करता है तो उसको बोलते हैं कनेक्ट होस्ट जो होता है अप्लीकेशन वो दो होस्ट को कनेक्ट करता है दो, दो या मल्टीपल होस्ट को कनेक्ट करता है so, जो एप्लीकेशन लेयर होता है दो यूजर को अलग अलग होस्ट को कनेक्ट करता है और सेंडर उस को उससे आउटपुट लेता है सॉरी इनपुट लेता है और इनपुट के रूप में डेटा लेता है इन्फॉर्मेशन लेता है और रिसीवर को आउटपुट के रूप में डेटा को इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देता है थर्ड पॉइंट आता है मेल सर्विसेस जो अप्लीकेशंस लेयर होता है मेल सर्विसेस के एवरी एक एक फंक्शनलिटी को ऑपरेट करता है मैनेज करता है मेल सर्विसेज को एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टरी सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज जो भी सिस्टम के अंदर जो भी अब प्रोसीजर होता है उसमें जो भी फंक्शन डायरेक्टरी होता है डायरेक्टरी मीन्स होता है उसके पार्ट पुर्जे उसके फाइल मैनेजर तो उसको भी मैनेज करने का काम करता है अप्लीकेशन लेयर तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और हमसे कनेक्शन बनी रहे